राज्य गुरु जी को लखादेश, माँ भगवती को लखादेश, रांची वाले भैरव बाबा को लखादेश, आप सभी को आदेश आदेश। आज एक आप बीती आप लोगों को सुना रहा हूं। एक औघड़ कभी अपनी कमजोरी किसी को नहीं बताता, लेकिन मैं ये कथा आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इससे कुछ सीख सके, कुछ सीख ले। ये कहानी है जब आप का जो मन है उस पर जब महामाया का प्रहार होता है उसका। ये घटना मेरे साथ पिछले वर्ष घटित हुई। हमारे एक गुरु का देहवास हो गया, मंत्र गुरु थे हमारे, और जब उनका देहवास हुआ तो हम उज्जैन में थे और कोई भी साधन ऐसा नहीं था कि हम उनके पास पहुंच पाए। उनकी समाधि हो गई, मन दुखी हुआ कि आखिरी बार देख नहीं पाए उनको, काफी कुछ उन्होंने हमें सिखाया था। तो करीब 1.5 महीने बाद मैं उनकी समाधि पर गया तो वहां पे और लोग भी थे, क्योंकि आना जाना लोगों को लगा हुआ था, बड़े संत थे। वहीं पर हमें एक व्यक्ति मिले, साधक मिले, उनसे वार्तालाप हुई बहुत सारे विषयों पर, उन्होंने हमें प्रकाश डाला। वो बंगाली तांत्रिक थे विशेष रूप से वो, और हम तो बंगाली तांत्रिकों को बहुत तवज्जो नहीं देते क्योंकि हमारा जो ज्ञान है अघोर में वो थोड़ा ऊपर का होता है, जहाँ उनकी सीमा समाप्त होती है, या जो कृत वो करते हैं वो हम करते ही नहीं है। हमारा मतलब तो महाकाल और भैरव से होता है, भगवती से होता है। तो उन्होंने बताया कि इसी गुरु परिवार का एक स्थान और है बंगाल में, तो बड़ा अंदर से एक इच्छा हुआ कि ये कौन सा स्थान है, थोड़ा चलकर देख लिया जाए, अवलोकन किया जाए, क्योंकि उस स्थान पर इसी गुरु परंपरा के जो पहले के गुरु थे उन सब लोगों ने साधना कर रखी थी। पहुंच गए हम उन साधक के साथ। और संयोग था उस समय कि चंद्र ग्रहण था उस रात में, भारत में आंशिक था लेकिन दूसरे देशों में पूर्ण चंद्र ग्रहण था। और उस समय में जोगनियों को भोग देता था, अभी नहीं देता हूं, उस समय देता था। तो जोगनियां जब भी आती है ना, उनका एक प्रबल अनुभव होता है कि हाँ जोगनी आ गई, 64 में से एक आ गई। जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि जब पहली बार जोगनी शक्ति से मेरा सामना हुआ था तो बहुत डर लगा था, क्योंकि लगा था वो शरीर से पार कर गई हमारे। तो मौका भी था, दस्तूर भी था। वहां पर क्या था, दो आसन थे, एक पंचमुंडी आसन था, बहुत पुराना प्राचीन काल का था वो पंचमुंडी आसन। तो पंचमुंडी आसन का प्रयोग होता है जब आप भगवती को साक्षात करना चाहते हैं तो महाशंख माला लेकर के पंचमुंडी आसन पर बैठ जाना चाहिए और भगवती का साक्षात होता है। और एक होता है नवमुंडी आसन। नवमुंडी आसन का क्या खासियत है कि उसमें रुद्र जो है ना वो जागृत रहते हैं, पंचमुंडी में रुद्र सुप्तावस्था में रहते हैं लेकिन नवमुंडी आसन में रुद्र जो है वो जागृत अवस्था में रहते हैं। तो ये दो आसन था, ठीक है। जो वहां के महंत थे, केयर टेकर थे, पुजारी थे, उन्होंने बोला था कि आप अगर ध्यान करना चाहते हैं तो पंचमुंडी पर करिएगा, नवमुंडी पर मत करिएगा, ठीक है। बोला कि नवमुंडी का बहुत दिन से प्रयोग नहीं हुआ है, हाँ, और उसका प्रयोग और उसको जो चलाने का विद्या अभी लुप्त है हमारे गुरु परिवार में, किसी के पास है नहीं,
तो हम लोग उसका मतलब ध्यान रखते हैं, रख रखाव रखते हैं, लेकिन उस पर कोई साधना नहीं करता है। पंचमुंडी आसन पर अगर आपको देखना है तो आप बैठ सकते हैं, थोड़ा साधना कर लीजिए। लेकिन क्या था कि हम क्या थे, अवगण, सामने वाले क्या थे, तांत्रिक, तो वो हमें कैसे सिखा देंगे। तो मूलभूत बात यह है कि माया माथा पे चढ़ गई थी, ईगो था पूरे दिमाग में, और ये समझ में आ गया था कि ये जो बोल रहा है ये तो गलत ही बोलेगा, ये तो चाहता ही नहीं कि हम वो एक्सपीरियंस लें, इसीलिए तो ये हमें नमुंडी से दूर कर रहा है। और गुरु महाराज की इच्छा नहीं होती तो स्थान तक तो हम पहुंचते नहीं। अगर हम स्थान तक पहुंच गए इसका मतलब कि सर्वोच्च जो है यहाँ पे वो मुझे ग्रांट करना है, सेकेंड लेवल का कुछ नहीं। तो अपना तामझाम लेकर के 5 नारियल लिया, उसमें जो सामग्री भरी जाती है भरी, सब में आग लगाया, जो 9 दीपक होते हैं 9 दीपकों को जलाया, सामने हवन कुंड चेतन किया और बैठ गए हम का नौ मुंडी आसन पर। ठीक है, नौ मुंडी आसन की खासियत ये होती है कि उस पे चलाया हुआ जो तंत्र होता है ना, अगर किसी पे मारन मोहन उच्चाटन वशीकरण कर दिया जाए तो उसको कोई रोक नहीं सकता है, और बहुत तीव्र होता है, नहीं रोकने का कारण है, बहुत तीव्रता से वो चलता है। तो हम बैठ गए। अच्छा बैठे तो क्या, किसी पे मारन मोहन उच्चाटन करना तो हमारा काम है नहीं, हम ये करते नहीं, हमें तो भैया साक्षात्कार करना है, देता होगा। हम बैठ करके जोगिनी का जाप करने लगे, क्योंकि याद था कहीं ना कहीं दिमाग में कि हमारे साथ ऐसा हुआ था कि जोगिनी हमें दिखी नहीं थी लेकिन हमें भय लगा था। तो हम अपना बैठ गए और लगे अपना जोगिनी का विधान करने के लिए। मध्य रात्रि हो रही थी, ऐसा नहीं था कि आश्रम में लोग नहीं थे। हाँ, जो साधक थे वो अलग अलग जगह पर बैठे हुए थे, एक नदी थी, नदी के किनारे कुछ लोग जाप कर रहे थे, क्योंकि जो चंद्रग्रहण की रात होती है उस दिन काफी हलचल होता है ना, तांत्रिक जहाँ है, जहाँ अवगढ़ है, वहां पे बहुत हलचल होता है। तो उस हलचल के बीच में, अच्छा, नवमुंडी आसन के पास थोड़ा शांति था क्योंकि इसका प्रयोग कोई करता नहीं था, कोई सोचा भी नहीं था कि मैं वहां बैठा हूँ, और आश्रम थोड़ा बड़ा है तो आप कहाँ बैठे हैं बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं, देते भी है तो कितनों को पता ही नहीं रहता कि नवमुंडी है पंचमुंडी है। तो जो भी है वो चल रहा था, और थोड़ा सा जब जाप शुरू किया तो हमें लगा कि हमारे आसपास अब हरकत होना शुरू हो गया है। लेकिन मन को ऐसा बोध हुआ कि नहीं, ऐसा है नहीं, ये जो है ये हमारे मन की भ्रांति है, और क्योंकि पहले भी जोगनी की जो साधना हुई थी उसमें ऐसा मुझे लगा था कि भाई कोई तो हमारे पीछे खड़ा है, जबकि कोई था नहीं। फिर कुछ थोड़ा अटपटा होना सा शुरू हो गया, पहले कमंडल गिर गया। अच्छा, कमंडल में कारण था, जल था नहीं, तो हमने बोलो हो, लगता है कि शक्तियां प्रसन्न है, क्योंकि जब आपका आपके सामने का कारण गिर जाए तो माना जाता है कि आसपास की शक्तियां जो है उन्होंने भोग ग्रहण कर लिया है, लेकिन वो जो गिरना होता है वो एक्सीडेंटल होना चाहिए। तो हमने समझा कि वो आसपास की शक्तियां जागृत हो रही हैं, थोड़ा और प्रसन्न हुए, मन प्रसन्नचित्त हुआ कि आज के सूर्य ग्रहण में तो जोगनी माता के दर्शन हो ही जाएंगे, 64 में जो भी जोगनी आज पृथ्वी पर विचरण कर रही हो उसके दर्शन हो जाएंगे। और देखो, घमंड इतना था कि कोई बंधन वंदन करके नहीं रखा था हमने, हम बैठे हुए थे कि आज तो देख ही लेना, क्योंकि क्या पता कि भैरव जी का बंधन लगाए जोगनी घुस ना पाए। हाँ, ये सब भी चलता रहता ना, कैलकुलेशन साधक के मन में, रिसर्चर होता है साधक। पहला तो कारण गिरा, दूसरा बहुत जोर का एक हवन कुंड में विस्फोट हुआ। तो आम तौर पे क्या होता है, अगर आप नारियल को हवन में डालते हैं ना तो नारियल फूटता ही है, ठीक है, और जब नारियल फूटता है तो माना जाता है कि जिस कार्य के लिए आपने हवन किया है वो आपका सिद्ध हो गया। ऐसे नारियल हम लोग डालते हैं धुना को चेतन करने के लिए, मतलब तो नारियल में हवन सामग्री डाल करके, कपूर डाल के, तो वो फटा। तो हमको हमें हमें लगा कि चलो हमने तो कोई कुछ मांग की नहीं थी, हमने तो बस हवन शुरू किया था, लेकिन लगता है कि मनोभाव में ये था कि जोगिनी का दर्शन हो,
तो आज जोगनी का दर्शन होना है, इसीलिए ये नारियल जो है ये फूट गया और एक्सेप्ट हो गया कि हाँ आज जोगनी के दर्शन होंगे। तो उसके बाद हम पूरा प्रसन्न चित्त थे। तीसरा जो कांड हुआ वो था एक हुंकार, मतलब पीछे से एक आवाज आना, आवाज महिला का, ठीक है। और ऐसा हमने सुन रखा था कि भगवती की जब साधना होती है ना, और भगवती का जब आगमन होता है, तो भगवती का जो हुंकार होता है वो सुनाई देता है। मुझे लगा कि तीन साइन तो हमें मिल गए हैं कि हम सही जा रहे हैं, नव मुंडियासन का जो प्रयोग है वो अच्छा कर रहे हैं, और जोगिनी माता का जो है आज दर्शन होना है। पहला तो कारण गिर गया तो शक्तियों ने भोग ले लिया, नारियल का विस्फोट होना, तो ये विस्फोट तो हवन कुंड में हुआ था, मुझे लगा कि नारियल का विस्फोट है, जो भी हम देखने तो गए नहीं थे, तो हमें लगा कि हाँ जो मान्यता है वो पूरी हुई, इसीलिए वो नारियल में विस्फोट हुआ। और फिर क्या हुआ? फिर हुआ वो हुंकार जो पीछे से मेरे बाएं ओर से आया, बहुत जोर का हुंकार। तो मुझे लगा कि यहाँ पहले डर लगता था, अब नहीं लगता है ऐसी शक्तियों की आवाज से। तो हम अब तैयार हो गए, जो क्रिया था वो सामने का किया। उस क्रिया में होता क्या है कि जो नव दीपक होते हैं ना, तो उस दीपक में कौन सा दीपक बुझता है उस पर कैलकुलेशन होता है 64 योगिनी का, कि अब कौन सी योगिनी का आगमन होगा, ठीक है। तो जब तक ये सब हुआ, ये तीनों साइन मिले मुझे, तब तक एक भी दीपक मेरा बुझा नहीं था। तो हमने सोचा कि थोड़ा ध्यान कर लेते हैं, जब जोगिनी का आप साधना करेंगे तो ध्यान में बड़ा आनंद आता है, ये सबके साथ होता है। तो हम ध्यान में बैठ गए। जब ध्यान में बैठे तो किसी ने बहुत जोर से, जैसे हाथ से ना, मेरे दाहिने कंधे को मारा, ठीक है। जब उस प्रहार से मेरा आंख खुला, ठीक है, आंख खुला भी इस तरीके से कि आंख में पूरी ना पीड़ा थी कि कहाँ आ गया, फिर आंख खुला तो पूरा उजाला। अच्छा, उस समय मुझे भाव नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूं, मतलब कहाँ हूं मैं, ऐसा लगा कि जैसे कि मृत्यु हो गई या बेहोश हो गया, या ध्यान में हूं या सपने में हूं या कुछ विचरण कर रहा हूं कहीं और। लेकिन हमारे सामने एक बहुत ही सुंदर भीम काय और कुरूप, समझो बात को, सुंदर थी। अगर उसके ऊपर के आवरण को हम नहीं ध्यान दें, भीम काय मतलब हमारे हमारा जो कद है, मैं खुद लंबा चौड़ा व्यक्ति हूँ, हमसे वो 2 गुना, मतलब कद 1.5 गुना होगा, लेकिन जो बलिष्ठ वो 2 से 2.5 गुना। और कुरूपा मतलब देख के डर लगे ऐसा भाव, ठीक है। तो मन है ना, वो दौड़ता है, मन बता रहा है कि चलो, लगता है जोगिनी माता ने दर्शन दे दिया। लेकिन हमने तो शास्त्र पढ़ रखा है भाई, हमने तो वो किताबें पढ़ रखी है जिसमें जोगिनी माता का वर्णन दिया हुआ, जो 64 योगिनी है उसमें एक भी जो है योगिनी का जो है इनसे वर्णन नहीं मिलता है, जिसको हम सामने देख रहे हैं। और ये हमें मारने के बोध से ही खड़ी है। और जब उनको देखा तो ये समझ में आ रहा था ये भगवती नहीं है, भगवती को हमने प्रत्यक्ष देखा है, ठीक है। भगवती का जो सुंदर मुख है, आप देखेंगे तो आपको डर तो प्रतीत होता है, लेकिन लगता है कि इसको, इनको देखता ही रहो। तो ये वो नहीं था, ये बिल्कुल मतलब इनका एक शक्ति को चाहिए था कि ये मुझे मारे, ये ऐसा कोशिश कर रही थी। अच्छा देखो, अब क्या था कि सामने मुझे दिख रहा है कि हमें मारने का प्रयत्न कर रही है, ये वही हवन कुंड है और वही स्थान है जहां पर हम बैठे हुए हैं। और जब हम पीछे देख रहे हैं तो हमें ऐसा दिख रहा है, ठीक है, कि हम अपने घर के जो, हमारे घर का जो पीछे वाला दरवाजा है उससे अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, और हम घुसने की कोशिश कर रहे हैं, और ये हमें पकड़ के खींच रही है, ठीक है। और
जब ये हमें छूती है तो एक अलग अनुभव होता है, मतलब कि ऐसा प्रतीत होता है कि अब जो है सांस नहीं आ रही है, मतलब शरीर एकदम दुर्बल सा प्रतीत होता है। और ये हमको पकड़ के मेरे दाहिने हाथ से खींचने की चेष्टा करती है। उस समय क्या है कि जितना विद्या ग्रहण है मेरे पास, वो सब मैं वो सारे मंत्रों को मैं चलाना शुरू करता हूँ। तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद मंत्र मैं करता करता जाता हूँ। एक किसी मंत्र में इसने मेरा हाथ छोड़ दिया, लेकिन मैं इतना भयभीत था इस रूप को देख के और इसकी इसका जो उद्घोष था मुझे मारने के लिए, कि मैं मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि मैं मुझे मतलब किस मंत्र से इसने मुझे छोड़ा, मैं भूल गया। फिर मैं दूसरे दूसरे मंत्र के चले, मैं जो बोलता हूँ 4-5 मंत्रों को कंठस्थ करके रखो, बहुत सारे मंत्र नहीं करने चाहिए, तो मुझे वो याद ही ना आए। फिर मैं दूसरे दूसरे मंत्र कर रहा था, फिर मैंने मान लिया कि मेरी जो है अब मृत्यु इसी स्थान पर लिखी हुई है। तो मैंने क्या किया कि मैंने मन में अपने गुरुदेव को, मतलब जिन्होंने मार्गदर्शन किया था, भैरव का वीरनाथ जी को याद किया कि प्रभु अब लगता है कि ये हमारा अंतिम समय है और हम अब आ रहे हैं आपके पास। तो वीरनाथ जी का भी शिवलोक गमन हो चुका था, और दूसरे क्षण में हमने देखा कि वीरनाथ जी ने हमें दूसरे हाथ से पकड़ कर खींच लिया, और जो खींच लिया मतलब घर के अंदर, हाँ, और मेरा ध्यान टूटा, ध्यान टूटा, मैंने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और वहां से भागा। जब भाग गए तो फिर हमने जो साधक हमें ले गए थे उनको बताया, उन्होंने बोला उनको कोई बहुत विशेष जानकारी नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ आपके साथ, वो फिर एक दूसरे साधक के पास ले गए। तो उन्होंने बताया कि जब ऐसा आसन बनता है तो इसके आसपास जो है सुरक्षा रहता है, ये मुझे ज्ञात था, मुझे इस बात का ज्ञान था पहले से, बोध भी था पहले से, लेकिन जब माया जब शरीर पे छाती है ना, जब मन पे माया छाता है ना, तो ज्ञान जो है वो सबसे पहले विलुप्त होता है। रश्मि रति में बोला है ना कि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक अमर जाता है, वही हुआ मेरे साथ। मुझे पता था कि कोई भी, जैसे आप अगर हमारे आसन पर बैठेंगे तो हमने भी उसका बंधन कर रखा है, हमारे शिष्य एकादा, और उसके अलावा अगर कोई भी वहां बैठेगा तो उसको उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। हम बच इसलिए गए क्योंकि हम उसी गुरु परिवार से मंत्र लेकर के वहां बैठे थे, लेकिन हमको पहले ही चेताने की कोशिश हुई। जो दूसरे साधक आए उन्होंने बताया कि उस नवमुंडी आसन पर 2 जनरेशन से कोई नहीं बैठा था, वो इतना तेज है, और उसकी सुरक्षा में 4 शक्तियां लगी हैं जिसमें एक शक्ति डाकिनी शक्ति है। तो उन्होंने पूरी कहानी सुनी तो उन्होंने बोला कि ये आपके यहाँ ऐसा होता होगा कि कारण गिरने को अच्छा माना जाता हो, या फिर हवन कुंड में जो विस्फोट हो उसको अच्छा माना जाए, या हुंकार अच्छा माना जाए, हमारे यहाँ इन सब चीजों को अच्छा नहीं माना जाता है। और फिर उन्होंने बोला कि आपने हड़बड़ी में एक गलती और की कि शिवा भोग नहीं दिया। शिवा भोग का मतलब होता है क्या, जब भगवती की हम साधना करते हैं या भगवती का आह्वान करते हैं ना, तो सियार के लिए भोग निकाला जाता है, तो वो भी हमने नहीं किया था। तो उन्होंने बोला कि पहले तो आपको 3 बार चेतावनी दी गई कि यहाँ से उठ करके भाग जाओ, आप नहीं भागे तब जो है आप पर अटैक हुआ। जो मैं बार बार जो मेरे मन में लग रहा था कि मैं घर घुसने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी आत्मा को खींचा जा रहा था और मेरी आत्मा वापस शरीर में घुसना चाह रही थी। तो ऐसे जब आप फंसते हैं तो कौन निकालता है, गुरु। तो महाप्रभु को मैंने याद किया, अगर शायद याद ना करता तो ये वीडियो भी बन नहीं रहा होता और वहीं पे मेरा जो है अंत हो जाता। तो साधना जब करना चाहिए तो गुरु जो बताए और स्थान के नियमों को हमेशा पालन करते हुए करना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे साधक मरे हैं और अभी भी मरते ही जा रहे हैं, अलग अलग व्याधि विकार और रोग, और पता भी नहीं चलता है कैसे मरे हैं। तो इस कथा से आप लोग सीख लीजिए, संयमित होकर साधना कीजिए, जितना ज्ञान है उतना ही साधना कीजिए, और जो साधक पहले से सिद्ध है, जो जानते हैं किसी वस्तु को, उसका अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि माया का काम है आपको पटक के सिखाना।
आपको गुरु मुख से ज्ञान लेकर के अच्छे से सीखना है या पटक का के सिखाना है, ये आप पर है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जिनको मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है वो मेरे नंबर 9431188585 इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साधना में हम यंत्र मंत्र तंत्र जो शुरुआती साधना है जिससे कि आप सुरक्षित रहें, आपको भोग आपका भोग देवता स्वीकार करें, ये सब चीज़ें सिखाते हैं, हवन करना सिखाते हैं। जिनको मेरा लेख या आगामी कार्यक्रम जानना है वो www.akbartantra से पर जाए। जिनको डायरेक्ट बात करना है वो कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करें, उसमें रुद्रनाथ@cm4 सर्च करेंगे तो मेरा प्रोफाइल मिलेगा। आप व्हाट्सएप पर भी मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। महाभैरव आपको सुरक्षित रखें, ऐसे मेरी उनसे प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश अलाक आदेश।